सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। झूठ का सहारा लेकर जो अपना घर बनाते हैं, ऐसे लोगों के घर जल्द ही बट जाते हैं। घर में परिवार एक ऐसी जगह है जहां आदमी को सबसे अधिक प्यार किया जाता है और आदमी सबसे खराब काम भी वही करते हैं। प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि इसे गूंगे भी बोल सकते हैं और इसे बहरे भी सुन सकते हैं। आज का पंचांग 9 सितंबर 2020, दिन बुधवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 2:06 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 11:15 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:23 से 1:56 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 9 सितंबर 2020, दिन बुधवार, आज आप आवेगी मूड में हैं, किसी भी काम के बारे में भली प्रकार सोचे बिना ही करने दौड़ पड़ेंगी, जिसके कारण आपको कार्य स्थल पर और पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें आ सकती है। हालांकि इस समय ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मन को शांत रखें। आपके सामने के अवसर एक साथ आएंगे, आपको सोच समझकर उनमें से चुनना है। नवीन कार्य संबंधित योजना बनेगी और ये योजनाएं जल्द ही क्रियान्वित भी होगी। घर के निर्माण संबंधित रुके हुए कार्य दोबारा से गति पकड़ेंगे। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और सलाह से कुछ नए कार्य से संबंधित रूपरेखा भी बनेगी। यदि संभव हो तो आज का पूरा समय खुद की देखभाल में बिताएं। आपको नई नई ऊर्जा और उत्साह की अत्यंत संभावना आवश्यकता है, जो कि आपकी शारीरिक थकान को मिटाने से मिलेगी। रिश्तेदार से मिलने का योग बना रहे, जिसके लिए आपकी यात्रा करने की संभावना है। आपकी काफी सारी उलझन थकान की वजह से है। सेल्फ हीलिंग या उससे जुड़े संगीत थेरेपी का ज्यादा फायदा होगा। अपचय की तकलीफ दूर हो सकती है। सावधानियां, लोगों से संपर्क स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा या विश्वास करते हैं, वही आपके साथ विश्वासघात करेगा। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है। लव लाइफ की बात करते हैं। आप पिछले कुछ समय से अपने दोस्तों की उपेक्षा कर रहे हैं और अभी का यह समय अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए बहुत अच्छा है। साथ जाकर कोई मूवी देखें या सब दोस्तों के साथ कोई नाइट आउट की योजना बनाएं और आप पाएंगे कि वह तनाव अपने आप गायब हो गया है, जिसे आप महसूस नहीं कर पाए थे। पहले जो कोई आपका नजदीकी था, वह भी आपसे संपर्क कर सकता है। पति पत्नी में आपसे सामंजस्य का अभाव रहेगा और इसका प्रभाव घर परिवार पर भी पड़ सकता है। करियर की बात करती हैं। कुछ समय से आप झूठ बोल रहे हैं। आज आप आय के नए तरीकों का लाभ उठाने के लिए अपने निर्णयों में नयापन ला सकती हैं। आप में अपनी ताकत या खुशी का आनंद लेने के लिए दीवानापन रहेगा और वह काफी सशक्त होगा। आपकी वित्तीय स्थिति किसी भी अन्य दिन की तरह सामान्य रहेगी। व्यवसायिक गतिविधियां पूर्ववत चलती रहेगी। अपने राज व रहस्य किसी को ना बताएं। गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें। काम के प्रति आपके उत्साह व जोश में भी कुछ कमी रह सकती है। सेहत की बात करते हैं। त्योहारों के इस मौसम में आपने खूब मजे किए हैं। अब आपके लिए अपनी शरीर को कुछ हल्का करने का समय है, ताकि आप फिर से उतने ही ऊर्जावान महसूस करें। कच्चे फल और सब्जियां अधिक खाएं,
लेकिन अल्कोहल वाले पेय पदार्थों से दूर रहें, अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव करें और सकारात्मकता का प्रसार करें। साथ ही अपने परिजनों को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने को प्रेरित करें, उन्हें भी आपकी सहायता की आवश्यकता है। आज का उपाय, आज आप गरीबों को मूंग का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।